इस आवाज को सुनकर हर कोई हैरान है, सोच रहा है कि आखिर चट्टानों से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? कहीं ये विज्ञान का कोई चमत्कार तो नहीं? इसके पीछे की कहानी जानने के लिए अब हर कोई उत्सुक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जगह आखिर है कहाँ। ये जगह देवभूमि उत्तराखंड में है। पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखने वाली ये जगह अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया नामक इलाके में मिली है। कहा जाता है कि इस जगह के तार सीधे महाभारत से जुड़े हुए हैं, जो बेहद दिलचस्प, रहस्यमयी और अविश्वसनीय है। जब पहली बार कोई इस चट्टान को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक गुफा के अंदर मौजूद चट्टान जो देवभूमि की रहस्यमयी ताकत को बयां कर रहा है, साथ में पांडवों के यहाँ आने का एहसास भी दिला रहा है। अल्मोड़ा जिले के ऊंचा वाहन नाम के गांव में मौजूद इस गुफा को लेकर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे तो उस वक्त इसी गुफा के पास ठहरे थे। उस वक्त पांडवों के पास हथियार भी थे, जिनकी धार लंबे समय से तरासी नहीं गई थी। फिर जब पांडव इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने इसी गुफा के अंदर मौजूद चट्टान पर अपने हथियारों की धार तेज की थी, जिसके बाद माना जाता है कि चट्टान पर हथियार घिसने से उसमें धात्विक गुण पैदा हो गए। अब सदियों बाद जब कोई इस चट्टान पर हाथ थपथपाता है तो वह बजने लगती है, बर्तनों जैसी आवाजें देती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। वहीं इस गुफा के अंदर से ऐसी आवाजों के आने के बाद गुफा का नाम भी थकुली यानी की थाली की आवाज देने वाली गुफा पड़ गया। यहाँ के स्थानीय लोग इसे थकुली उड़ियार कहते हैं, जिसके रहस्य के पीछे अभी कई बातें दबी हुई है। बेहद रहस्यमयी और पांडवों की देवभूमि में आने का प्रमाण देती ये गुफा अब पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो रही है। इस इलाके के समाज सेवी शंकर सिंह बिष्ट इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जब इस इलाके को पूरा देखा तो उन्हें इसी पहाड़ी पर कई ओखलियां भी मिली, जो बेहद प्राचीन है। ऐतिहासिक और पौराणिक इस रहस्यमयी जगह को लेकर जानकारी देते हुए समाज सेवी और युवा पत्रकार ललित बिष्ट कहते हैं कि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित हो रही हैं, जो इलाके में युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।